हाय कैसे हो माय डियर ऑल लवली फाइन चाहिए। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो किसी अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा तो किसी आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आ जाता है, कोई भी हिंट आ जाता है, मैं ऑन द स्पॉट सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे ही किसी आपको एक सेकंड के अंदर पता चल जाता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, इवन कौन से समय हमको कौन सी कॉइन के अंदर ट्रेड करना होता है और कौन से समय हमको कौन सी कॉइन के अंदर से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ता है, सारी की सारी जो अपडेट्स है बिल्कुल फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। बात करते हैं आज की इस वीडियो की टॉपिक की। तो जैसे कि यहाँ पर दो दिन से जो क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा है इंडिया के अंदर चल रहा है, दूसरी तरफ से एक एक बार यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आता है और एक बार यहाँ पर बैड न्यूज़ निकल के आ जाता है, तो उसकी चक्कर में जो यहाँ पर जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे आज के दिन में। लेकिन गाइस आज के दिन में भी क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेकर जैसे कि अपने थंबनेल पर देख कर आए सब कुछ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले एक अपडेट्स निकल के आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेगा आप सभी लोगों के लिए। लेकिन गाइस उससे पहले अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। गाइस यहाँ पर मार्केट के अंदर नजर डाल के देखिए अभी समय के बीच में जो मार्केट है 3.06% यहाँ पर डाउन जाते हुआ नजर आ रहा है। जैसे कैसे जो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर टैक्स लगाया उस टैक्स के कारण यहाँ पर जो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं और आज के दिन में लोग यहाँ पर काफी कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और उसकी वजह से यहाँ पर जो मार्केट है डाउन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट कैप के अंदर नजर डाल के 127.98 ट्रिलियन पर अभी किस समय के बीच में जो हमको मार्केट का कैप देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन इथेरियम जितना भी कॉइन है ऑलमोस्ट सभी कॉइन के अंदर हमको थोड़ा थोड़ा सा जो गिरावट है अभी इस समय के बीच में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वैसे अभी हम बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ, क्या अपडेट निकल के आए हैं अभी अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, सबसे पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको एक अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते कि इनकम टैक्स के बाद 28% GST की दायरे में भी जा सकता है क्रिप्टो। तो गाइस यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर 30% का जो टैक्स है लगा चुका है, जो कि हमारे लिए वो भी काफ़ी बड़ी एक टैक्स यहाँ पर लगा, क्योंकि 30% टैक्स देना हमारे बस की बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टैक्स है। और दूसरी तरफ से यहाँ पर जो अपडेट्स निकल के आ रहा है कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स की बात है 28% की जो GST है क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर लगा सकते, तो मतलब यहाँ पर अगर आप 30% इनकम टैक्स 30% यहाँ पर टैक्स की बात करें, 28% GST की बात करें, तो लगभग यहाँ पर जो 58% यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन गाइस ये सोचो कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो हमारे साथ कर रहा है वो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो गलत हो रहे हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो 28% का GST और दूसरी तरफ से यहाँ पर 30% जो टैक्स है काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन गाइस ये जो न्यूज़पेपर के अंदर ये जो न्यूज़ हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये जो न्यूज़ है कितना ज़्यादा सच है कितना ज़्यादा झूठ है ये तो बता नहीं सकते, क्योंकि जो कभी कभी यहाँ पर फंड निकल के आ जाता है, जैसे मार्केट क्रैश होता है जैसे लोग डीमोटिवेट होते हैं तो तभी उस समय के बीच में लोगों को और भी ज़्यादा यहाँ पर डीमोटिवेट करने के लिए ऐसा फंड निकल के आ जाता है। लेकिन गाइस कल की डेट में जो अपडेट निकल के आया था निर्मला सीतारामन जी की तरफ से वो जो अपडेट है एक सही अपडेट निकल गया था, लेकिन गाइस यहाँ पर ये अपडेट देखने के लिए मिल रहे वो कितना परसेंट सर से यहां पर बता नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से यहां पर किसी ने जानबूझकर ये सब अपडेट्स यहां पर पोस्ट कर रहे ताकि लोग यहां पर देखें और लोग और भी ज्यादा पैनिक हो और क्रिप्टो को सेल करें और मार्केट और भी ज्यादा डाउन जाए, क्योंकि जो मार्केट जब डाउन जाता है तो वेल्स मार्केट के अंदर एंट्री लेते और उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन गाइस यहां पर अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी टैक्स की तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो 30% टैक्स लगा है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्रॉफिट बुक करें और उनमें से 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़े तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर 15 से 20% होता फिर भी हम यहाँ पर मान लेते, लेकिन कैसे यहाँ पर जो 30% है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन कैसे यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी को लेकर ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आज के दिन में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो, लेकिन कैसे यहाँ पर आपको डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो 30% जो टैक्स लगा है उसका कोई ऑफिशियल अभी जो अनाउंस नहीं हुआ है, हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको चेंज भी कर दे, तो हमको ऐसा भी उम्मीद रखना कि गवर्नमेंट आने वाले कुछ ही महीने के अंदर उसको चेंज करके जो टैक्स है टैक्स को यहाँ पर कम कर दे। लेकिन ये जो अपडेट्स है ये अपडेट वायरल हो रहे हैं और लोग इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, लेकिन कैसे ये जो अपडेट है कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर हमको देखने के लिए नहीं मिल। ये अपडेट देखने के बाद आपको इतना भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो कैसे आज की इस वीडियो में ये अपडेट तो बहुत ही इमरजेंसी में बनाया, मैं किसी काम से बाहर आया हूँ,
इसीलिए गाइस यहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। लेकिन गाइस आई होप कि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत बोलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना। अभी के लिए इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माई डियर फैमिली, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रख।